जयंत चौधरी जी बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, राजनीति को वो समझते हैं। मैं नहीं मानती कि जो आरएलडी के जो मौजूदा नेता हैं जयंत चौधरी जी, जो राज्यसभा मेंबर भी हैं, तो इस तरह का कोई कदम उठाएंगे। मैंने कल भी बोला था कि जब भारत दिया गया है तो मेरी भावनाएं अपने आप जुड़ गई। जयंत और अखिलेश की दोस्ती टूटने के पीछे क्या है कहानी? 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश ने जयंत के साथ क्या किया था? 1975 में आया एक गाना, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। आज यह गाना झूठा साबित होता नजर आ रहा है। दरअसल बात समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और रालोद पार्टी के अध्यक्ष जयंत चौधरी की दोस्ती की है। जयंत का अखिलेश से मोह भंग हो गया है, इसलिए जयंत अब भाजपा में दोस्ती करने जा रहे हैं। रालोद की नाराजगी की मुख्य वजह सपा की मनमानी बताई जा रही है। सपा ने रालोद को 7 सीटें देने की घोषणा की थी, किंतु इनमें से 4 सीटों पर वह अपने प्रत्याशी दे रही थी। प्रत्याशी हमारा सिंबल तुम्हारा वाली सपा की नीति ही रालोद को सबसे अधिक खटकी, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में भी सपा ने रालोद के ऊपर अपने प्रत्याशी थोपे थे। सपा के साथ रालोद गठबंधन की घोषणा 19 जनवरी को ही सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इंटरनेट मीडिया एक्स पर कर दी थी। सपा ने रालोद को 7 सीटें दी थी, जिनमें मेरठ, कैराना, मुजफ्फरनगर, बागपत, मथुरा, हाथरस थी। बिजनौर और अमरोहा में से एक सीट और रालोद को मिलनी थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। सूत्रों के अनुसार इनमें से 4 सीटें कैराना, बिजनौर, मुजफ्फरनगर व मेरठ के लिए अपने प्रत्याशियों की सूची भी सपा ने जयंत को थमा दी थी, क्योंकि सपा कैराना से पूर्व सांसद रहे मुनव्वर हसन की बेटी व शामली के 3 बार के विधायक नाहिद हसन की बहन इकरा हसन को लड़ाना चाहती थी। बिजनौर से रुचि वीरा व मुजफ्फरनगर से पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक को भी सपा हैंडपंप के सिंबल पर लड़ाना चाहती थी। मेरठ की सीट पर भी सपा अपना प्रत्याशी रालोद को दे रही थी, तब भी जयंत शांत रहे। अब शांति कब तक कायम रह सकती थी? अब ऐसे में जयंत को सबसे खराब यह लगा कि 19 जनवरी को अखिलेश ने जिन सीटों पर गठबंधन की बात करने के लिए उन्हें लखनऊ बुलाया था, उसी दिन उन्होंने पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक को भी बुला लिया और हरेंद्र मलिक को मुजफ्फरनगर सीट दिए जाने के बारे में भी बता दिया था, जिसे अब तक गुप्त रखा गया था। इस सीट पर हरेंद्र मलिक के नाम पर जयंत तैयार नहीं थे और अखिलेश के इस फैसले से नाराज भी थे। अभी मामला संभलने वाला ही था कि तब तक सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जयंत चौधरी को एक और जोरदार झटका दे देते हैं। अखिलेश ने अपनी पार्टी के एक और नेता को रालोद की दी गई सीट पर प्रत्याशी के तौर पर तैयारी करने के लिए कह दिया। इससे पहले भी वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में मथुरा की मांड विधानसभा सीट को लेकर के भी सपा व रालोद में गांठ पड़ी थी, लेकिन तब जैसे तैसे करके सब कुछ संभाल लिया गया था। आपको बता दें कि रालोद ने यहां से योगेश नहवार को प्रत्याशी बनाया था, किंतु बाद में अखिलेश यादव ने अपने करीबी संजय लाठर को यहीं से टिकट दे दिया था और सपा ने दबाव बनाकर रालोद प्रत्याशी को बैठा दिया। अब इतने झटके सहने के बाद भी जयंत ने अपनी दोस्ती को टूटने नहीं दिया, लेकिन कब तक इंसान सहता रहेगा? पहले से भरे बैठे रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी को अब एक मौके की तलाश थी और वह मौका उन्हें भाजपा ने दे दिया। भाजपा से बातचीत के बाद अब समीकरण बदल चुके हैं, वर्षों पुरानी दोस्ती अब टूटने वाली है। अब देखना यह होगा कि बीजेपी इस दरार पड़ चुकी दोस्ती के बीच जयंत चौधरी के नाम का ऐलान कब करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, माई भारत। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, देश की राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा माई भारत बनेगा आम जनता की आवाज। अब होगी हर खबर की जमीनी पड़ताल। जुड़े रहिए सिर्फ माय भारत के साथ।